Here we have our first chapter. Three questions. The name of our chapter. Three questions. So, first of all, we have to see before you read. A king has three questions and he is seeking answers to them. <speaking> इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एक किंग होते हैं राजा होते हैं जिनके दिमाग में तीन क्वेश्चन होते हैं तीन प्रश्न होते हैं एंड वट आर द क्वेश्चन और वे आंसर क्या हैं किंग गेट वट ही वॉन्ट्स और क्या किंग को उनका जवाब मिला जो वो चाहते थे मीस दिस इज स्टोरी इज गोइंग टू द इंक्वायरी ऑफ दिस थ्री क्वेश्चन तो इसमें वो क्वेरी करते हैं उनको खोजते हैं कि क्या वो तीन प्रश्न है सो हेयर द थॉट केम अ सर्टेन क्योंकि यहां पर राइटर ने इनको पैरा में डिवाइड किया है ये फर्स्ट वन है द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग कि एक एंड ही वुड नेवर फेल ओ इफ ही न्यू थ्री थिंग्स अब एक, एक सोच आती है एक राजा के दिमाग में कि क्या वो उसको अगर अपने तीन प्रश्न के आंसर मिल जाए तो वो कभी फेल नहीं होगा दीज थ्री थिंग्स वर और ये जो लाइन ये जो तीनों वो जो क्वेश्चन हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेसन ही जो जिसका नाम है थ्री क्वेश्चन इसी के ऊपर सारा जो लेसन है वो बेस्ड हैं वो तीन क्वेश्चन हैं वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग और ये जो क्वेश्चन है ये हम सबकी लाइफ से भी जैसे जुड़ा हुआ है मीन्स एक पर्सन ये सोचता है कि उसको कोई काम कब शुरू करना चाहिए सो दिस इज़ द राइट क्वेश्चन विच पीपल शुड ही लिसन टू किन लोगों को उसे सुनना चाहिए एंड वट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू और उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये मेनली जो राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं सभी जो ऑल ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ पर बेस्ड है कि उनको क्या uh, काम करना चाहिए यानी किस टाइम पर करना चाहिए किन लोगों की बात सुननी चाहिए और क्या उनके लिए महत्वपूर्ण है सो द किंग दे फोर सेंट मैसेंजर्स तो वो अपने जो संदेश वाहक होते हैं उनको भेजते हैं थ्रू आउट हिज किंगडम अपने राज्य में प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी To anyone who would answer these three questions, और ये कह कर कि जो मेरे इन तीन सवालों के जवाब देगा मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा और यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जो ये हमारा जिसे हम लेसन रीड करते हैं नॉट टू रीड कि इसको सिर्फ रीड नहीं करना है इसको रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग मीन्स रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग वी आई मीन टू से कि यहाँ पर जो राइटर ने जो वर्डिंग यूज़ की है सेंटेक्स यूज की है, जिसे सेंट मैसेंजर्स कॉमा लगाकर थ्रू आउट हिज किंगडम मीन्स आप इसको ऐसे समझ के करिए मीन्स इससे हमारा कॉम्प्रीहेंशन भी इम्प्रूव होता है सो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग अब बहुत से जो वाइज मैन थे बुद्धिमान लोग थे वो राजा के पास आए बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली लेकिन सबने उनके जवाब अलग अलग दिए मीन्स किसी ने किस आंसर uh, किसी प्रश्न को उत्तर कुछ दिया किसी ने कुछ दिया सो इन द रिप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही पहले प्रश्न का उत्तर दे देते हैं जो वाइज मैन होते हैं सम सेट कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली और उसको दृढ़ता से फॉलो करना चाहिए मीन्स ओनली दिन दिस वे यानी इसी तरह दिस सेज उन्होंने कहा कुड ही डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम अगर वो अपना टाइम टेबल बना लेते हैं तभी वो कुछ अपना काम एवरी थिंग में आ जाता है मीन्स अपना सारा काम अच्छे से कर सकते हैं प्रॉपर टाइम यानी समय पर अदर सेट दैट दूसरों ने कहा क्योंकि यहाँ पर वाइज मैन की बात चल रही है और वो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं अदर सेट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग सम थिंग लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये इम्पॉसिबल है असंभव है कि सही समय को एडवांस में लाना कुछ काम करने के लिए मीन्स यहाँ पर उनका कहने का मतलब था कि जो हम आ, काम शुरू करना चाहते हैं वो हमें तभी कर देना चाहिए क्योंकि राइट टाइम आता नहीं उसे लाना पड़ता है द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन और जो राजा थे वो नोटिस कर रहे थे देख रहे थे कि जो भी हो रहा है अवॉइड फुलिश अवॉइड फुलिश प्लेजर्स प्लेजर्स होती हैं जो खुशियाँ होती हैं हमारे जीवन की छोटी छोटी और थोड़ी अपनी फुलिश प्लेजर्स मीन्स मूर्खों वाले जो ये प्लेजर्स थे जो उनकी बातों से उन्हें मिल रहे थे एंड ऑलवेज डू वट एवर सी निसरी एट दैट टाइम और ऑलवेज वो करो हमेशा जो सही समय पर सही लगता हो यट अदर सेट दैट लेकिन फिर भी दूसरे कह रहे थे मीन्स और कह रहे थे द किंग नीडिड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन की राजा को जरूरत है एक ऐसी परिषद की जो बुद्धिमान लोगों की हो हु एट द प्रॉपर टाइम और जो उन्हें मदद करे की जो काम उनको समय पर करना है उसके लिए मदद करे दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली अब शायद इसलिए यह हो सकता है कि किस अपना जो आदमी है वो अपना इम्पॉसिबल काम है असंभव उसको कर सके विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स बिना दूसरों की मदद के द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन मीन्स हर काम को राइट right टाइम पर कर सके हेयर वी हैव द मीनिंग काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स देन अदर बट But then others said that three were some things which could be urgent. लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जरूरी होती हैं मीन्स अर्जेंट होती हैं और उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल लेकिन हमारे जीवन के कुछ काम ऐसे होते हैं जिन जो परिषद की उसमें डिसीजन की ज़रूरत नहीं करती उनके उसका इंतजार नहीं होता इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लिक लुक इन टू द फ्यूचर लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कि हमें राइट टाइम पर क्या करना है तो ये जरूरी हो जाता है कि जो आ, काम करने वाले हैं वो फ्यूचर के लिए जरूरी हो एंड ओनली मैजी मैजिशियंस को डू दैट और ऐसा केवल जादूगर कर सकते हैं क्योंकि जो जादूगर होते हैं उन पर ही ऐसी जो शक्ति होती है जो अपना राइट टाइम यूज कर सकते हैं द किंग देफो वुड हैव टू द मैजिशियंस अब उन्होंने कहा कि राजा को तो जादूगरों के पास जाना चाहिए इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन ये क्वेरी तो थी फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ तक हमने जो क्वेरी पढ़ी है वो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में है देन हेयर वी हैव सेकेंड क्वेश्चन सम सेट दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग हिज काउंसिलर्स अब यहाँ पर काउंसिलर्स मेंबर जो होते हैं काउंसिल के तो दूसरे क्वेश्चन में कुछ ने कहा कि आ, राजा को जरूरत है ऐसे लोगों की जो काउंसिल के मेंबर्स हो अदर्स सेड द प्रीस्ट पुजारियों की ए यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स और कुछ ने कहा कि राजा को जरूरत है डॉक्टर्स की वैद्य की एंड येट अदर्स सेड दैट ही सोल्जर्स वॉज द मोस्ट नेसेसरी और किसी ने कहा कि उसके लिए सैनिक जरूरी है मीन सब ने अपनी राय दी कि राजा के लिए क्या जरूरी हैं टू द थर्ड क्वेश्चन अब थर्ड क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं द सम सेड साइंस अदर्स चूज फाइटिंग एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप अब किसी ने कहा कि साइंस जरूरी है विज्ञान जरूरी है किसी ने कहा लड़ना जरूरी है और किसी ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ जरूरी है ठीक है यहां तक हो गया एज द आंसर्स टू so क्वेश्चन द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो reward। क्योंकि राजा को अपने क्वेश्चन के प्रश्नों के अलग अलग उत्तर मिले तो इससे राजा को संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने किसी को इनाम नहीं दिया इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइज ऑफ ए सर्टेन hermit। हर्मिट कौन होता है ए पर्सन Who lives alone and leads a simple life means आप यहाँ पर हर्मिट साधु भी कह सकते हैं कि साधु जो योगी होते हैं तो इसके अलावा उन्होंने फैसला किया कि चलो मैं एक साधु को ढूंढ लेता हूँ उसकी सलाह ले लेता हूँ Who was widely known for his wisdom और ऐसे एक साधु के बारे में उन्होंने सुन रखा था क्योंकि उसकी जो बुद्धिमता के जो चर्चे थे वो बहुत वेल नॉन थे द हम इट लिव्ड इन ए वुड यहाँ पर जंगल विच ही नेवर लेफ्ट वो जो हरमिट थे वो एक जंगल में रहते थे और वो वहाँ से कहीं नहीं जाते थे ही saw नो वन बट सिंपल पीपल और वो ही uh, सा no one वो मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक बिल्कुल सिंपल आदमी थे वो एंड सो द किंग पुट एन ऑनरी क्लॉथ्स अब वो सिर्फ किससे मिलते थे जो सिंपल लोग लोग थे इसलिए राजा ने क्या किया कि वो एक ऑर्डनरी क्लॉथ्स पहने असाधारण से कपड़े पहने बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हर्ट्स द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स और उसकी झोपड़ी तक पहुंचने पर राजा ने क्या किया कि जैसे वुड या वुड्स हेयर हम डिस्कस कर चुके हैं ए स्मॉल फॉरेस्ट आप ये भी जरूर देखते रहिए यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग गिवन है तो फिर राजा ने क्या किया कि अपने घोड़े को वहाँ पर उसकी गुफा के आई मीन टू से उसकी आ, जो हट है झोपड़ी है उसके पास छोड़ दिया विद हिज बॉडी गार्ड अपने अंग रक्षकों के साथ एंड ऑन अलॉन और अकेले ही चलते बने एज द किंग केम नियर द हरमिट जैसे ही जो किंग थे वो हरमिट के हट के पास आए ही सा हरमिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ वो क्या कर रहा था साधु जो था वो ग्राउंड डिगिंग कर रहा था डिगिंग होता है जैसे कुदाली वगैरह से ग्राउंड खोदना जमीन खोदना अब यहाँ पर ही ग्रीट इट द किंग उसने राजा को नमस्कार किया एंड कंटिन्यू डिगिंग और वो डिगिंग करता रहा खोदता रहा द वाज ओल्ड एंड वीक जो हर्मिट था साधु था बूढ़ा था और कमजोर था एज ही वर्क ही ब्रीदड हैविली और जैसे ही वह काम कर रहा था करता तो उसकी जो सांस थी वो फूल जाती थी हैविली मीन्स जैसे काम करके थक जाते हैं देट्स थिंग हैविली द किंग अप टू द हर्मिट एंड सेड जो राजा थे वो साधु के पास गए सेड और कहा आई हैव कम टू यू वाइज हमिट मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन मैं आपके पास अपने तीन प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ पूछने आया हूँ हाउ केन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम सॉरी दिस इज राइट टाइम कि कैसे मुझे आ, मुझे पता लगेगा कि कोई काम कैसे सही करना है हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स हेर थिंग्स मैटर्स एंड बिजनेस मीन्स ये सारी चीज़ें अफेयर्स में आ जाती हैं और थर्ड क्वेश्चन के बारे में राजा कहते हैं कि मेरे लिए कौन से अफेयर्स सबसे ज़्यादा जरूरी हैं द मीट लिसन टू द किंग जो साधु था वो राजा को सुनता रहा बट डिड नॉट स्पीक लेकिन बोला नहीं वेंट ऑन डिगिंग वह खोदता रहा यू आर ट्राइड यू आर टायर्ड सेट द किंग अब राजा ने कहा आप थक गए हैं लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस स्पेड क्या होता है स्पेड होती है जैसे एक कुदाली छोटी सी जैसे कुर्पी होती है जो जिसपे लकड़ी की डंडी वगैरह होती है दैट इज जो जमीन खोदने के काम आती है थैंक्स सेट द हर्मिट और जो साधु था उसने धन्यवाद कहा गिविंग द किंग ही स्पेड उन्होंने अपनी स्पेड कुदाली राजा को दे दी देन ये यहाँ पर साधु हैं और ये राजा हैं जो ऑर्डनरी क्लोथ्स पहने हुए हैं देन ही सेट डाउन हेयर सेट डाउन ऑन द ग्रीन दिस इज ग्राउंड और तब वह जमीन पर बैठ गए ये फ्रेजल वर्ब्स भी हैं बीच में सेट डाउन देन वेन द किंग हैड डग टू बेड्स टू बेड्स मीन स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स मीन्स जिसको इन हिंदी क्यारी बोल देते हैं दैट इज बेड्स तो जैसे ही किंग ने दो क्यारियां खोद दी ही स्टॉप एंड रिपीटेड हीज क्वेश्चन वह रुक गया और दोबारा से अपने क्वेश्चन प्रश्न दोहराने लगा द हरमिट गेव नो आंसर बट डप हारमिट ने साधु ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन खड़ा हो गया स्ट्रेचिंग आउट हीज हैड फॉर द स्पेड और उसने स्ट्रैच किया मीन्स फैलाया अपने हाथ को कि और कहा एंड सेंट नाओ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क मुझे कुदाली दे दो अब मैं काम करता हूँ बट द किंग डिड नाट गिव हिम द स् पेड एंड कंटिन्यू टू डिग लेकिन राजा ने उसे वो कुदाली नहीं दी और वो लगातार खोदते रहे वन आर पासड एक घंटा बीत गया देन अनदर दूसरा भी बीत गया द सन वेंट डाउन दिस इज फ्रेजर वर्ब्स ये जो फ्रेजर फ्रेजिज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज और जो सन था वो पेड़ों के पीछे छिप गया एंड एट लॉस्ट द किंग्स टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड और लास्टली राजा ने वो जो कुदाली थी उसको ग्राउंड में स्टक करके गडा कर फिर वो आया और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एंड आंसर टू माई क्वेश्चन मैं आपके पास अपने तीन प्रश्नों के जवाब मांगने आया हूँ इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम अगर आपके पास अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए तो मैं घर चला जाऊँगा Here comes someone running, द हम इट अब एकदम से साधु के पास कोई भागता हुआ आया अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक चीज है कॉम्प्रीहेंशन चेक मीन्स ये शन इसलिए गिवन है कि जो हमने लेसन पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू द्री क्वेश्चन क्वेश्चन जानना चाहता था वी कवर इट लेटर ऑन देन सेकेंड द किंग टर्न राउंड एंड स ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स दैम अकिंग जैसे ही पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी भागा हुआ आ रहा है उसकी तरफ हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमिक और उसके जो हाथ हैं उसके जो हाथ है उसके पेट को जकड़े हुए हैं उसने अपने पेट को पकड़े हुए हैं फ्रोम विच ब्लड व्लोइंग उसमें से खून बह रहा है वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड फेंटेड होता है जैसे लॉस्ट एंड कॉन्शियस बेहोश हो जाना एंड फेल टू द ग्राउंड और वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे धरती पर जमीन पर गिर गया द किंग एंड द हेट रिमूव द मैंस क्लोदिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हीज स्टमक। उन्होंने उसके जैसे कपड़े उठाकर देखे तो उन्होंने देखा कि उसकी पेट में बहुत बड़ा घाव है द किंग वॉस्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकर चिफ तब राजा ने उसको धो दिया एंड उसके घाव को अपने रूमाल से बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग लेकिन जो खून था वो तब भी नहीं रुक रहा था द किंग रीड्रेस द वाउंट अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप रीड्रेस्ड होता है ड्रेस्ड अगेन दोबारा से उसने उस पर रुमाल बांध दिया और खून बहना बंद हो गया द मैन फेल्ट बेटर अब जो वो आदमी था उसको अच्छा फील हो रहा था आस्किंग आस्कड फॉर समथिंग टू ड्रिंक उसने कुछ पीने के लिए मांगा द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर राजा ने उसे फ्रेश वाटर पीने के लिए दिया गेव इट टू हिम बाय दिस टाइम द सन हैड सेट और अब तक जो था सन वो छुप चुका था एंड द एयर वॉज कूल हवा जो है वो ठंडी हो गई थी द किंग विद द हम इट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू द हार्ट और uh, जो राजा था वो साधु की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गए एंड लेट हिम ऑन द बेड और उसे बेड पर लेटा दिया द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप पड़ गया सो गया द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक राजा भी चलकर बहुत थक चुका था एंड द वर्क ही हैड डन और जो उसने कार्य किया था ले ऑन द फ्लोर वो भी फर्श पर सो गया मीन्स uh, लेट गया एंड स्लेप्ड थ्रो द नाइट और सारी रात सोया रहा वेन ही अ वोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर लेकिन जैसे ही वह उठा थोड़ी सी मिनट uh, पहले वे ही वाज हु वाज हु द स्ट्रेंज बियर्डिड मैन लेंग ऑन द बेड वाज और उसने देखा कि ये अजनबी कौन है दाढ़ी है जिसके और ये बेड पर सोया हुआ है फॉर गिव मी सेट द बीयर्डिड मैन इन ए वीक वॉयस अब बिल्कुल जो धीमी सी आवाज में बियर्ड मैन बोला कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए वेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक उसने देखा कि अब राजा उठ गए हैं आई डोंट नो यू मैं तुम्हें नहीं जानता एंड हैव नथिंग टू फॉर गिव यू फॉर सेड द किंग राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम किस लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हो यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू मैं तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ आई एम दैट एनमी ऑफ योरस हुन यू मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में से हूँ जिन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है तुमसे बदला लेने की बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी सीज होते किसी की प्रॉपर्टी को आ, फोर्स अपने बल से छीन लेना कि तुमने मेरे भाई को मरवा दिया है और मेरी प्रॉपर्टी छीन ली है आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट मुझे मैं जानता था कि तुम जंगल में अकेले जा रहे हो साधु से मिलने आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम मैंने अपना दिमाग लगाया तो मैं रास्ते में ही मार देता हूँ बट द डे पास लेकिन दिन गुजर गया एंड यू डिड नॉट रिटर्न लेकिन तुम वापस नहीं आए सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस लेकिन मैंने अपना जहाँ मैं छिपा हुआ था वहाँ से आ गया आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आया हु रिकोगनाइज मी उसने मुझे पहचान लिया एंड वाउंडेड मी और मुझे घायल कर दिया आई एस्केप्ड फ्राम हिम मैं उससे बचकर भागा बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नाट ड्रेस्ड माई वाउंडस मैं तो मर ही जाता अगर तुम मेरे घाव को ठीक ना करते आई विस टू किल यू यू हैव सेव्ड माई लाइफ मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरा जीवन बचाया है नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट इसलिए अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हारी सबसे वफादार सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा एंड विल ऑर्डर माय सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी और अपने बच्चों से भी यही कहूँगा कि तुम भी ऐसा ही करना मुझे माफ़ कर दीजिए द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज़ एनमी सो इजीली अब राजा को बड़ी खुशी हुई कि उसका जो शत्रु था उसको शांति मिल गई है मीन्स उसने अपना और एवेंस छोड़ दिया है एंड टू हैव वोन हीम और एज ए फ्रेंड और उसने उसको एक मित्र बनाकर जीत लिया है ही नॉट ओनली फॉर एम बट सेड ही वुड सेंड हीज सर्वेंट्स उसने मीन्स यहाँ पर ही जो है वो किंग है राजा ने उसे न केवल माफ़ किया लेकिन ये कहा कि चलो मैं अपने नौकर भेज देता हूँ हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम और जो तुम्हारी जो डॉक्टर को वैद को ले आएँगे और तुम्हारी देखभाल करेंगे एंड ही प्रॉमिज टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी और तब राजा ने उसको प्रॉमिस किया वायदा किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें लौटा दूंगा लिविंग द वाउंड इन मैन उस घायल आदमी को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हम इट उस घायल आदमी को छोड़कर राजा जब हट में गया झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि साधु कहाँ है बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन जाने से पहले राजा अपने फिर वही तीन क्वेश्चन के जवाब ढूंढना चाहता था द हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बैट्स अब जो हमिट था साधु था वो घुटनों के बल बैठा हुआ था और बीज बो रहा था वहां पर जो उसने बेड क्यारी बनाई हुई थी ही हैड बीन डग जो उसने खोदा हुआ था द डे बिफोर द किंग वेंट द दिट एंड सेड राजा साधु के पास गया और कहा फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन कि हे साधु महाराज मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ भीख मांगता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेट द हम इट स्टिल बेंडिंग डाउन टू ग्राउंड आपको पहले ही आंसर जवाब मिल चुके हैं राजा और जो साधु था वो अपना वहाँ पर कार्य करता रहा एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम और राजा को देखते हुए कहा हाउ हैव आई बीन अंसर्ड वट डू यूट मीन आपका क्या मतलब है कि मुझे जवाब मिल चुके हैं डोंट ना डोंट डू यू नॉट सी रिप्लाई द हमिट साधु बोला आपने नहीं देखा इफ़ यू हैड नाट पीटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नोट डग दीज बैड्स फॉर मी पीट यहाँ पर जिसे दया करना तो साधु कहता है कि देखिए महाराज कि अगर आप मेरी कमजोरियों पर कल मुझ पर दया नहीं करते और मेरे लिए ये बेड नहीं खोदते यू वुड नॉट यू वुड हैव गॉन अवे तो आप चले जाते देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू तब वह आदमी आप पर हमला कर देता यू वुड हैव विज्ड यू यू हैड स्टेड विद मी और आपने क्या इच्छा की थी कि आप मेरे साथ रुके रहें सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स और सबसे महत्वपूर्ण तो आप मतलब यहाँ पर जो साधु हैं राजा को समझाने की कोशिश करता है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप वो जो क्यारी खोद रहे थे एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन और मैं आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था क्योंकि आप मेरे लिए कार्य कर रहे थे एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस और मेरे लिए काम करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था आफ्टर इसके बाद मिन साधु राजा के प्रश्नों के उत्तर दे रहा है एक के बाद एक वेन द मैन रैन टूअर्स और इसके बाद जैसे वो आदमी हमारे पास भागा हुआ आया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर्क केयरिंग फॉर हिम और तो सबसे महत्वपूर्ण तो समय वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे बिकॉज इफ़ यू हैड नोट ड्रेस हीज़ वॉन्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू देखिए अगर आप उसके घाव उसके जख्मों को ठीक नहीं करते तो वो बिना शांति के ही मर जाता और विद यू यहाँ पर तुम से बदला लिए बिना सो so, ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इसलिए वो महत्वपूर्ण आदमी है एंड वट यू डिड फॉर हीम और जो आपने उसके लिए किया वोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मीन्स यहाँ पर राजा को अपने दो प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं रिमेंबर देन याद रखिए देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट अब यहाँ पर साधु ने कहा कि सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण है वो क्या है समय एंड द टाइम इज नाउ और यही अब भी यही महत्वपूर्ण है मीन्स यहाँ पर राइटर रीडर्स को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो समय होता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट तो यहाँ पर राइटर कहता है टोल कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण समय है जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन योर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट और सबसे महत्वपूर्ण कौन है सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य है वो आप हैं फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है वी विल मीट एनी वन एल्स क्या हो सकता है हम किसी से मिलें ना मिलें द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ पर बिजनेस का मीन्स कि आदमी अपने लिए कार्य करें बिकॉज वी व सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलाउन क्योंकि हम सब जो इस संसार में भेजे गए हैं भगवान के द्वारा किसी पर्पज से भेजे गए हैं मीन्स यहाँ पर राइटर जो कहता है कि सबके जीवन का एक पर्पज़ होता है उद्देश्य होता है उसे हमें अपने समय पर कंप्लीट कर लेना चाहिए पूर्ण कर लेना चाहिए सो दैट इज ऑल अबाउट योर लेसन नाउ वी कम टू आवर कंप्रीहेंशन चेक इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू थ्री क्वेश्चंस जो राजा थे वो तीन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहते थे द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द राइट आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चंस तो इसका आंसर यही है द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल मीन्स वो सोचते थे ही वुड Never fail if he knew the right answers, right answers to the three. क्वेश्चंस ओके okay? तो ये वाला जो कम्प्रीहेंशन चेक का जो पार्ट होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कई बार क्या होता है जो एग्जामिनर होता है यहीं से वेच करके एकदम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं सो सेकेंड है इसमें मैसेजर्स थ्रू आउट द किंगडम टू फैच वाइज मैन टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन टू लुक फॉर द वाइज हैव टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन राजा ने अपने जो मैसेंजर्स हैं वो क्या uh, क्यों भेजे थे क्योंकि uh, फिर आंसर मिलेगा मैसेंजर्स वो आउट द किंगडम टू अनाउंस ये फोर्थ जो है राइट right है टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन कंप्रीहशन वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इज बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स यहां पर ये जो बॉक्स गिवन है इसमें से आपको इन सेंटेंसेस को फिल करना है कि जो अप्रोप्रिएट है इसके लिए जैसे फर्स्ट है मेनी वाइज मैन द किंग्स क्वेश्चन तो आपको बॉक्स में देखना है कि कौन सा इसका आंसर बनेगा बट दे बट देयर आंसर सो वेरी दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ये वाला इसमें हम फर्स्ट टैग कर देते हैं तो यहां पर आएगा आंसर्स बट देयर आंसर्स so वेरी दैट मीन्स दिस इज डी दैट द किंग uh, यहां पर लिख लेते हैं वॉस नोट सेटिस्फाइड ओके देन सेकेंड वन है समेस्ट दैट थ्री देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन किसी ने कहा कि आपके पास काउंसिल होनी चाहिए बट द लीडिंग टू आंसर थ्री क्वेश्चन एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली तो इसका जो राइट आंसर बनेगा टू हेल्प द किंग एक और रहता है यहाँ पर यहाँ पर दिस इज द राइट आंसर तो ये सेकेंड है इसका टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम तो यहां पर आएगा टू एक्ट द किंग हेल्प द हेयर यहां पर पहले हेल्प आएगा नॉट एक्ट टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम एक्ट एज दाइट टाइम

strictly. The king requested the hermit. King ने क्या request की थी to answer three questions or uh, but the bleeding यही है इसका answer. The king requested the hermit. ये fourth one हो गया और आ, जो एक बचता है this is fifth. तो यहाँ पर आएगा the king requested the hermit to Answer three questions. And the last one the king was and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop, but the bleeding would not. stop then uh, working with the text answer the following questions yahan पर फर्स्ट क्वेश्चन है। why was the king advise to go to the magicians अब किंग को ये एडवाइस क्यों मिली थी कि उसको मैजिशियंस के पास जाना चाहिए इन ऑर्डर टू डिसाइड दिस इज द आंसर इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग वन नीड्स टू नो द फ्यूचर ठीक है यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है वन नीड्स टू नो फ्यूचर

टू आंसर द यहां से टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन द एडवाइज ऑफ किसकी एडवाइज इंपॉर्टेंट थी द एडवाइज ऑफ काउंसलर्स यहां हेअ है हम यहां लिख लेते हैं काउंसलर्स सी ओ यू एन सी ओ यू एन सी आई डबल एल ओ आर एस काउंसलर्स और डॉक्टर्स डॉक्टर्स की थी और कौन थे प्रीस्ट पी आर आई ई एस टी एस तो ये जो तीन लोग थे इनकी सलाह क्या थी प्रीस्ट वुड बी इंपॉर्टेंट तो ये कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन से जो तीन लोग थे स जो सेकंड क्वेश्चन में थे वो इंपॉर्टेंट थे तो वो थे काउंसलर्स डॉक्टर्स एंड प्रीस्ट्स देन थर्ड वन सो हे वी मूव टू क्वेश्चन थर्ड व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन मींस उनको थर्ड जो क्वेश्चन था उसके बारे में क्या सुझाव दिए गए थे आंसर है फ्यू सजेशन व मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वास सजेस्ट टू बी टू बी तो इसमें क्या था टू बी साइंस फाइटिंग एंड मोर ओवर रिलीजियस वर्शिप एंड Moreover, religious worship. Then fourth, did the wise men win the reward? If not, why not? कि जो men थे उन्होंने इनाम जीता या नहीं यदि नहीं तो क्यों नहीं Means Answer him. The wise man did not win the reward as they gave different answers to his questions. Means they gave different answers. टू हीज क्वेश्चन क्योंकि सभी ने अलग अलग जवाब दिया था और राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे तो उन्होंने किसी को रिवार्ड नहीं दिया हाउ डिड द किंग एंड द हेट हेल्प द वेड मैन किंग और हर्मिट ने कैसे वाउंडेड मैन की हेल्प की द किंग विद द हेल्प ऑफ हर्मिट रिमूव्ड द वाउंडेड मैं क्लोत्स वाश्ड हिज वाउंट एंड कवर्ड इट विद हिज हैंड चीफ ही रिड्रेस्ड इट टिल द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग नेक्स्ट है हु द बीअेड मैन बियर्डेड मैन कौन था The bearded man was the swan enemy of means swan s w o r n enemy e n e m y enemy and. Uh, of the king who had put bearded man's brother to death, he had taken away all his property too. Second one, why did he ask for the king's forgiveness? Usne Raja se mafi kyo mangi. He had sworn revenge on the king but the king had saved his life by dressing his wound the bearded man felt grateful and asked for forgiveness then seventh the king forgave the bearded man what did he do to show his forgiveness king nikiakia to show his forgiveness the king promised to send his servants and doctor to look after him he was happy to have made peace with the enemy the king also promised to return his property then eighth what were the hermits answers to the three questions we write each answer separately विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई सो इसमें हमें तीनों आंसर्स लिखने हैं फर्स्ट वन है द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम वेन द किंग वॉज डिगिंग द बेड्स फॉर द हमिट द हमिट देन वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वॉज टू हेल्प द हमिट सेकेंड है इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वेन द किंग ड्रेसिंग द मैंउंट्स एंड द बियर्डिड मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड द सर्विस गिवन टू दैट मैन वॉज किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस तीसरा जो जवाब था third one the most important time is present the most important person is with one is at the moment to do a good deed to the person is the most important business i feel the third answer is the most appropriate one if we do the right at the present moment everything will be right in future then now वर्किंग विद द लैंग्वेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट यहां पर मैचिड आइटम्स it है मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विथ देर मीनिंग्स इन लिस्ट बी जैसे यहां पर फेंटेड फेंटेड होता है जैसे यहां पर फेंटेड है लॉस्ड कॉन्शियसनेस इस तरह हमें मैचिड करना है सो so, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है जैसे वाउंडेड इनका हम हिंदी मीनिंग देख के जिसे हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको ये इजीली हो जाता है जैसे वाउंडेड होता है जो घायल होता है तो इसमें देख लीजिए आप कौन सा वर्ड इससे मैच करता है जैसे फील सॉरी फॉर सेवरली इंजर्ड इंजर्ड भी घायल होता है तो ये हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो फर्स्ट का हो जाएगा सेवरली इंजर्ड ये हो गया Then, awoke. Awoke होता है जागना तो इसका बनेगा गोट स्लीप यानी नींद से जागना क्योंकि जागना तो यही होता है नींद से जागना देन थर्ड होता है किसी को माफ कर देना तो यहां पर जो वर्ड पार्डन है पार्डन भी यही होता है माफी मांगना फेथफुल फेथफुल क्या होता है विश्वास पात्र सो so, फेथफुल इसके साथ क्या होता है एक लॉयल होता है लॉयल लॉयल भी वफादारी होता है फेथफुल पीटी पीटी किसी के ऊपर दया करना और फील सॉरी फॉर ये इससे मैच करता है और रिटर्न वापस कर देना यानी गिव बैक न यूज एनी थ्री ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड आप अपनी मर्जी से कोई भी तीन सेंटेंस ले लीजिए यहाँ से मीन्स वर्ड और उनके सेन्टेंस बनाइए जैसे हम ले लेते हैं पी टी वर्ड तया करना सो so, इसमें हम फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं यू मे चेंज मीन्स आपकी मर्जी है आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं तो हम पी टी से बना लेते हैं तो फर्स्ट है जैसे आई टुक पी टी आई टुक पी टी ऑन अ डब्ल्यू ओ यू एन बाउंडेड बर्ड और फेथफुल हो गए जिसे इजी इजी से बना लेते हैं फिर हो जाएगा सेकेंड डॉग इज A faithful animal. तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें करके देखिए इससे हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है लैंग्वेज है इंप्रूव हो जाती है और तीसरा है इसमें जैसे बेड्स ले लेते हैं प्लीज प्लांट दिंगस इन द बेड ये बना लेते हैं जैसे प्लीज प्लांट दबलिंग्स इन द बेड्स तो इस तरह छोटे छोटे वाक्य बना के आप अपनी इंग्लिश को लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसे हमारे हाँ जैसे हम बार बार कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन भी इम्प्रूव हो जाता है देन सेकेंड वन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज हैज़ टू ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स यहाँ पर जैसे दो ब्लैंक्स हैं और एक वर्ड गिवन है आपको इसमें जो इसकी अप्रोप्रिएट ये बोला है यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो फॉर्म बनेगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है जैसे यहां पर जैसे फर्स्ट वन है ही हैज़ डैश टू हेल्प मी डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज जैसे डैश में प्रॉमिस ही और यहां पर ये जैसे ये बना के दिखाया गया है जैसे ही हैज प्रोमिस्ड मीन्स हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फील है यहां पर ठीक है ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस ठीक है वर्ड एक ही है लेकिन फॉर्म चेंज हो गई है तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर फिल करना है जैसे यहाँ पर फर्स्ट है द यहाँ पर जैसे जज गिवन है द डैश जज द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जज तो यहां पर हमें जज फिल करना है तो यहां पर फर्स्ट में तो जज ही आएगा क्योंकि जज द जज जज ने कहा द जज सेट दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट उसके न्याय के लिए यानी उसको जजमेंट करना पड़ेगा ओके देन सेकिंड ये वाले इस तरह जो हम फिलअप्स करते हैं ये कॉमन एरर में बहुत हमें हेल्प करते हैं एग्जाम्स में आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डैश डिफर ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेट्स आल दो द डैश फ्रॉम वन एंड अदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स तो यहां पर आ जाएगा i did not notice any serious differ differ what kya ban jata difference serious difference d i f f e r e n c e difference of opinion among the debaters although they differed d i f f e r e d

बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर दोनों में ही आंसर आएगा एज फाइनल देन फोर्थ इट इज नॉट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन अब यहां पर आएगा इट इज नॉट नेसेसरी यह जरूरी नहीं है एन ई सी

हर्मिट्स आर डैश मैन हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल अब वाइज है वाइज से क्या बनता है जैसे हमें इसका वर्ब एज ए वर्ब एज ए नाउन इस तरह के फॉर्म में चेंज करना है जैसे वाइज से बन जाता है विजम तो यहाँ पर आएगा हर्मिट्स आर वाइज मैन क्योंकि हर्मिट्स जो होते हैं वो वाइज मैन होते हैं एंड हाउ दे आर अक्वायर देयर विजडम और कैसे वो अपना विजडम एक्वायर करते हैं प्राप्त करते हैं तो यहां पर आ जाएगा विजडम देन द कमिटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम द डैश इज लाइकली टू प्लेज एवरी वन सो यहां पर आ जाएगा द क्योंकि हैज हैज के साथ तो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है द कमिटी हैज डिस To make Jagdish captain of the team the decision decides decides seven this decision the decision D E C I S I O N. This is C. The decision is likely to be Please Everyone asking for dash is as noble as willingness to dash any yani forgive. So asking for forgiveness. For

देन डो यू नो इसका जो आंसर है वो हमें पेज नंबर थर्टी टू पर मिलेगा ये से इसी टेक्स्ट में गिवन है जैसे डर्ज एज ऑस्ट्रिच रियलिस्टिक इट्स हैड इन दैन टू हाईड फ्रोमैन एनमी तो यहाँ पर हमें बताया गया कि आप जानते हैं कि क्या जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो अपना हैड अपना सिर नीचे रेत में घुसा घुसा लेते हैं एनमी को देखकर कर सो so, इसका आंसर हम नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर थर्टी टू पे नाउ वी मूव टू आवर पोएम वेरी स्मॉल पोएम बाय एम बी ऑम स्टॉन्ग द स्क्ल स्क्ल क्या होती है गिलहरी दिस इज ए वेरी स्वीट एनिमल सो दिस पोईम इज वेरी स्मॉल एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग यू have तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहता है यू मे तुमने यहाँ पर जो राइटर है वो पॉइंट है वो कहता है क्या तुमने कभी किसी गिलहरी को ग्राउंड पर बैठे हुए एक नट खाते हुए दे, देखा है क्योंकि जो गिलहरी होती है उसको नट सबसे ज्यादा पसंद होता है वट डिड इट लुक लाइक यह कैसी लगती है हेयर इज ए पॉइट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए squirrel और यहाँ पर जो पोएट ने डिस्क्रिप्शन दिया है बिल्कुल सच में वास्तव में ही एक गिलहरी के बारे में और बिल्कुल ये जो पोएम है एक शांजा ही है ही वो ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल ये देखिए वो कहता है कि उसकी जो टेल होती है देखिए इसकी जो शेप होती है जस्ट लाइक ए क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ये ऐसे ही है He wore a question mark for tail जो गिलहरी होती है उसकी जो पूछ होती है वो एक क्वेश्चन का मार्क लिए रहती है ऑलवेज एन ओवर कोट ऑफ ग्रे और ऊपर से ये ग्रे कलर की कोटिंग की हुई है इस पर गॉड ने ही सेटअप स्ट्रेट टू ईट ए नट वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है एक को नट को खाने के लिए ही लाइक ही लाइक टू टीज एंड प्ले ये क्या पसंद करती है दूसरों को टीज करना परेशान करना क्योंकि तो टीजिंग होती है किसी को परेशान करना या तंग करना एंड इफ वी अराउंड हिस्ट्री ही वेंट द अदर वे और अगर मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जाऊं तो वो किसी दूसरी ओर भाग जाती है मींस एक, एक बहुत ही छोटी सी पोएम है ये और राइटर ने इसमें अपने खुद का एक डिस्क्रिप्शन दिया है सच ए स्क्वा बिल्कुल एक गिलहरी को लेकर सो हेयर वी वर्किंग विद द विदयम सो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि पोएट ने क्यों कहा है किसने क्वेश्चन मार्क को पहना हुआ है सो so यहाँ पर वी हैव सम स्पेस हेयर हम यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा इसका आंसर सो द टेल ऑफ द squirrel was इन शेप ऑफ क्वेश्चन मार्क यहां पर हम लिख लेते हैं आंसर वन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए द टेल ऑफ द स्क्वेल was in the shape of shape of question mark means this is question. Then that's why the poet described him as for a question mark or till the student should collect a picture.

मीन्स इस तरह के जो ये क्वेश्चन हैं ये क्रिएटिव उदे हैं इससे हमें बहुत कुछ पता लगता है जैसे यहाँ पर हमें काफी फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगी सो so इसका आंसर है द एनिमल वियर एटेल इज ए पोइटिक एक्सप्रेशन तो हमें पता होना चाहिए कि वट हे आर पोएट वॉन्ट टू से तो आंसर सेकेंड द एनिमल Animal wear a tail is a poetic expression. In dictionary wear is used to. अब dictionary में veer कैसे use होता है? इसका means होता है एक तो टू हैवे इट्स इट्स विल इम्प्रूव आवर ग्लोसरी एज वेल और टू कवर मींस हम ये डाल के लिख लेते हैं और टू कवर मीन्स ये दोनों मीनू हो गए इसके ये पूछे गए हैं और टू कवर देन क्वेश्चन थर्ड ही इज लाइक टू टीज एंड प्ले एंड हु इज टीजिंग एंड होम तो यहाँ पर जो टीज करती है वो कौन है सो द पोएट डिस्क्राइब ए लिटिल स्कल सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड ईटिंग ए नट इन ए वेरी ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्टिव नरेशन द पोएट आर्मस्ट्रोंग इज वेरी स्ट्रोंग इन फीलिंग टुवार्ड्स द मिनी क्रिएचर ऑफ गॉड जो आर्मस्ट्रोंग होता है उसको बहुत ही अच्छा लगता है ये छोटा सा जीव जो भगवान के द्वारा बनाया गया है सो so, यहां पर इसका जो आंसर मैंने कहा वो द स्क्ल इज टीजिंग द चिल्ड्रन वी हैव राइट हेयर आंसर थ्री द द स्क्वल इज टीजिंग द चिल्ड्रन The children are running around the tree to catch it. The children are running around uh, the tree to catch it. So, this is all about our lesson as well as our poem. और अगर आपने अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें थैंक यू सो मच